पता ही है भी राइट वे एजुकेशन सिस्टम है जिहड़ा तुहानू हर 3 महीने बाद लगभग नवें ना नवे जगह के उपर 5-star रिजॉर्ट और जिवें लॉज हो गए इदां दीआं लोकेशन ते तुहानू फ्री टूर इंजॉय करवाउंदा रहिंदा। तो इस बार भी जिवें तुहानू पता भी नैक्सट मंथ अपना जिहड़ा टूर जा रहा तो वह भी नवी लोकेशन बिल्कुल तुहाडे वास्ते वधिया लोकेशन लभ ली है राइट वे एजुकेशन सिस्टम ने जिहड़ी तुहानू बिल्कुल फ्री दे विच तुसीं आ सकदे हो इंजॉय कर सकदे हो। तुहानू बिल्कुल छोटा जिहा टारगेट दित्ता गया उहनू तुसीं पूरा करो और फ्री दे विच इंजॉय करो। मैं तुहानू लोकेशन दिखा रहा सारी और बहुत वधिया वातावरण है इत्थे तुसीं खुद वीडियो च देखोगे भी और ज़्यादा मज़ा तुहानू कदों आऊगा जदों आके तुसीं टूर करके राइट वे एजुकेशन सिस्टम नाल तुसीं फ्री दे विच इहनू इंजॉय करोगे। तो आओ आपां देखदे हां किदां दी लोकेशन। पार्किंग पार्क बनया हुआ बहुत घैंट उधर आप पार्किंग भी देखी थी गड्डियों की। तो यह है पार्क जिते सवेरे सवेरे मॉर्निंग टाइम इंजॉय करोगे इनू अगे लैके चलते हो तो रूम वाल और रूम आ जोड़े क्या बात आ नज़ारा आने वाला बहुत जबरदस्त टूर रहने वाला अपना यह क्योंकि सब तो वधिया मैंने इतने एक चीज़ लगी भी जोड़ा ये माहौल है ना इतने वातावरण वो बहुत वधिया कहने बाद भी पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा आ जिदे करके होर भी जोड़ा वधिया सवेरे सवेरे का जोड़ा होगा मौसम बहुत जबरदस्त रहूगा। और इतों रूम शुरू हो गए ये सारे रूम है और इन्होंने पुराना जोड़ा सभ्याचार अपना है ना भी पहला घर के होंगे सी ताले लॉक किमें होंगे हर चीज मिलूगी जिवें पुराने लॉक भी मिलेंगे और जिहड़े नवे अज दे टाइम दे लॉक आ तुहानू वह भी मिलेंगे। अगे चलदे आ तुहानू रूम भी दिखाउने आ स्विमिंग पूल भी दिखाउने आ हर चीज तुहानू दिखावांगे। एक चीज़ तुहानू इत्थे होर बहुत वधिया दिखाउणी हैगी आ जिवें अज जिहड़ियां चीज़ां किते ना किते अपने चो चलिया गई जिवें बजाज चेतक स्कूटर कह लो और पुराने टाइम दे विच आपां सुणदे हुंदे सी वी लक्कड़ दे गड्डे हुंदे सी है ना तो वह लक्कड़ दा गड्डा भी इन्होंने जिहड़ा इत्थे सांभ के रख्या होया वह भी तुहानू उहदे वी दिखाउणे आ भी कितना पहला सिस्टम हुंदा सी सर। हाँ जी बहुत परिवार ने देखा होना बहुत परिवार ने इनू मतलब ये काम भी किया होना थोड़ा जहाँ ने जो टायर आ वो ये टायर भी होंगे सी एक होर बड़े बड़े टायर वाले भी होंगे सी पहला पंजाब के और आता सब ने चलाया होना लगभग है ना क्या बात है। इन टेढ़ा जहा करके स्टार्ट जहाँ जी करके करते होंगे जी ना साइड जी तो ऐ करके स्टार्ट जी करते होंगे जी लैके चलते हैं रूम के दिखाने हम जो थोड़ा रूम दिखावे वो अगर तुम विद फैमिली टूर करके आने तो रूम दे इंजॉय तुम ये रूम इंजॉय करोगे जोड़ा रूम मैं थोड़ा दिखाने जा रहा कि तुम विद फैमिली टूर करके भी आ सकते हो फ्री के सब तो पहला तो ये जी चीज़ा क्या बात है जी और गुलाब भी लगे हुए काम भी चल रहा सफाई हो रही है इन्हें पता लग गया भी राइट वे वाले आ रहे हैं वो करके रंग रुंग सारा अपना सिस्टम सफाइया सफुइया
कर रहे हैं थोड़े करके थोड़ी उड़ीक कर रहे हैं। आप चलते हैं थानू रूम दिखाने अंदर किदा की लोकेशन की गलबात आ। देखो मैं पहला कहा थी ना थानू भी पुराने जिंदे भी आने वाले लोग भी है। ये आ गया जी रूम, ये फैमिली रूम आ। मान लो इधर भी रूम हो गया, बैड हो गया, ये नाल अगे भी बैड हो गया, डबल हो गया, ये भी हो गया। और आता मैं तो पहली बार देख रहा हूं इदा दा बैड। मेरे ख्याल च बाथरूम बैक साइड ते दित्ता होया इन्होंने, जेडे हिसाब से लग रहा रूम उस हिसाब से बाथरूम मेरे हिसाब से डबल ही होना। हाँ जी सिरा गलबात है जी, आ जाओ थोड़े वास्ते थानू ये रूम उड़ीक रहे हैं, मौका थोड़े को आओ फ्री इंजॉय करो। ये है जी पहला जिहड़ा फैमिली रूम आप कह सकते हैं। नैस तो अगे होर भी काफ़ी रूम आ। मान लो एक चीज़ तो इतनी होर मिलने वाली है इदा आगे, जिमें आप आम फाइव स्टार होटल जाते रहने आप मान लो काफ़ी जगह पर आप काफ़ी लोकेशन पर गए हैं भी नॉर्मल जोड़े इटा के रूम कह लीए है ना कंक्रीट के कह लो। हूँ तो नैस्ट जो रूम च मैं लेके जाऊँगा वो आ गए टोटली जोड़े मान लो बिना इट तो बिना बाजरी तो रूम तैयार किए, बांस के कह लो लक्कड़ के कह लो, वो रूम भी थोड़ा दिखाने। हाँ जी दोस्तों, तो एक होर सब तो वड्डी जिहड़ी अपनी राइट टू एजुकेशन सिस्टम जिहड़ी भी अपनी टीम जाती है जो टूर करके वो हर टाइम इक्को चीज़ कहिंदे आ सर ग्राउंड होवे ग्राउंड होवे ग्राउंड होवे। मान लो क्रिकेट खेडण नूं होवे, चिड़ी सिक्का खेडण नूं होवे, वॉलीबॉल खेडण नूं होवे, भी खुला ग्राउंड चाहिदा सानूं। तो इस लोकेशन के उपर तुहानूं ना बहुत जबरदस्त जिहड़ा ग्राउंड भी मिलेगा, बहुत खुले एरिए दे विच। तुसी आप ही देख लो वीडियो च भी नज़ारा आने वाला कि नहीं आने वाला, ये तुसी आप ही देख लो। मेरे ख्याल च ये काफ़ी रहूगा गुरतेज सर, छोटा तो नहीं है बस सर, ये सब तो बड़ी गल है मेरे हिसाब से बॉल तो नहीं गुमाच, बॉल नहीं गुमाचती जी, पर अपने बंदे गुमा देने क्योंकि इधर रूम मारनगे पक्का, बहुत खुला एरिया। सब तो वधिया चीज़ है जी इन्होंने सफाइया सफुइया करके घा घू कट के तैयार भी करता अपने वास्ते, पता इन्हों भी राइट वे आने वाले आ। एक चीज़ सर होर वधिया लगेगी इतने भी खुले मैदान च भी जिमें अपने जोड़े खिडारी है वो ज्यादा लड़ाई लड़ूई करते आपस में है ना, लड़ते रहेंगे भी वह कहता आउट आ दूजा कहता नहीं आउट, तो जिन्ना मर्जी रौला पाई जाने कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। तो ये अपना जी ग्राउंड आ गया, स्वाद ही सर असल उस चीज़ आता जे सीधा मैच खेडना हो फिर तो स्वाद भी नहीं आता ਜਿਹੜਾ ਰਾਉਂਡ ਰਾਉਂਡ ਪਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਂਟ ਰੂਮ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੂਮ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਆ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਸ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਟੱਬ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੱਬ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਰੂਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੌਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਰੂਮ ਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਲੌਕ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲੌਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਟ ਰੂਮ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਟੈਂਟ ਰੂਮ ਆ ਗਿਆ ਇਹ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਓਕੇ ਆ, ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ,
ਗੁਰਤੇਜ ਸਰ ਦੇ ਰੂਮ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਰੂਮ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰੂਮ ਹੈਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਲੌਕ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕੁਛ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਸੂਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਟੂਰ 'ਤੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਮੂਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਊਗਾ, ਸੇਫਟੀ ਬੈਲਟ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਹੋਊਗਾ ਸਾਇਦ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਇਰ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਆ, ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਅਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਹ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਐਨ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਮ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਰੂਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਡ੍ਰੀਮ ਬਣ ਜੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਮ ਬਣਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਆ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੂਮ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ, ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂਟਕ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਰ ਹੈ ਰੂਮ ਦੀ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਆ, ਪੂਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ ਹੀ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਨੀ ਹੈਗੀ, ਬਾਜਰੀ ਦੀ ਨੀ ਹੈਗੀ, ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਨੀ ਹੈਗੀ, ਲੱਕੜ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਆ ਉੱਪਰ, ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਲੰਬੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਟੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਮ, ਦੋ ਰੂਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਰੂਮ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੂਮ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਕਰੀਟ ਵਾਲੇ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਟ ਰੂਮ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜਰੀ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਛੱਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਆ।
पर जिहड़े तुहानूं हुण नेस्ट रूम मैं दिखाउण जा रहा ना वह सारी लकड़ दे आ वह वक्री चीज़ है एक पर उहदे च वी तुसीं आनंद लाओगे वो किस्मत दसू तुहाडी भी किहड़ा रूम तुहाडे कोल आउंदा इहनां दे विच्चों ते बाकी जिहड़ा इत्थे आउण लई उह किस्मत नहीं छड्डना वो तुहाडे ते आ तुहाडे कोल टाइम पिया हाले लास्ट डेटां स्टार्ट नहीं होईआं महीने दीआं अद्ध विच कार जे आपां हैगे आ पर तुहाडे कोल हैगा भी मौका हैगा टारगेट जिहड़ा तुहानूं दित्ता होइआ वो तुसीं करके पूरा इत्थे आपदी एंट्री बुक करा सकदे हो फिर इहदे विच इहनूं इंजॉय कर सकदे थोड़ा काम भी चल रहा तैयारियां हो रही हैं। हाँ जी दोस्तों हूँ ना पहला अपने पिंडा च ना सत्तां बनिया होंगे सत्त तास खेडना बंदे डा के बह जाना फीलिंग तुम इतने आके आओ देसी एक कुर्सियां छड़ के देसी उधर बैठो वधिया लग रहा मैनू चलते हैं अगे थानू रूम भी दिखाने ये तो गे गेम वाला एरिया भी अपने को बच्चों वास्ते है ना पहले बनाया होना हाँ जी इतने तुम गेम भी कर सकते हो हाँ जी हूँ तो हम दिखाने लक्कड़ के रूम बांस के कह लो लक्कड़ के कह लो सोटिया के कह लो पंजाबी चा भी सोटिया नहीं आदि जी बांस वाली उन्होंने रूम बनाते हैं किदा के बनाए है की चीज़ आ किमें फीलिंग आती है वीडियो च देखो मेरे ख्याल स्वीम पूल इधर भी इन्होंने अलग दिता होना हाँ जी हाँ है जी पूल भी दिता हुआ नाल दो बेडरूम लाए हुए बेड लाए हुए एक उधर लाया एक इधर लाया एंड ते जिहड़ा इन्होंने बाथरूम दिया पूरे ही लक्कड़ दा जी इहदे च कोई मतलब नहीं हैगी इट बजरी सीमेंट कुछ नहीं लग्या हो सारा बांस लग्या हो सत्त भी सब कुछ उपी है ये अलग ही इंजॉय करोगे क्योंकि मैं तो पहली बार देख रहा इदा रूम
हो सकता तुसी इहदे विच रहे हो देखिया होवे पर आपां तां कदे रहे नहीं इत्थे आ के पहली बार रुकांगे इहदे विच भी अगे भी है काफी रूम है स्कूल भी है इधर इतने भी तुम जिमें शाम के वेले सारे रूम वाला जिमें आप मतलब जोड़ा भी ग्रुप इधर रहूगा तो अपनी कोई स्पैशल मीटिंग भी करनी चाहता शाम को बैठना चाहता गल बात कर चाहता तो इधर तुम्हें मंजे भी मिल जाएंगे तुम मंजिया से बैठना पसंद करते हो तुम गोल टेबल पर बैठना पसंद करते हो मर्जी थोड़ी है इन्होंने सारा कुछ प्रबंध किया होंजे भी देते इन्होंने कुर्सी टेबल भी देते जिते दिल करते इंजॉय कर सकते हो तो ये नाले पूल हैगा पूल दे विच तुसी रात नूं तुहानू होर भी वधिया लगेगा क्योंकि लाइटां वगैरह जिहड़ियां लड़ियां वगैरह लग जाएगी सारिया वो एक अलग जिहा नज़ारा आऊगा तुहानू। तो दोस्तों ये सी अपनी अज की लोकेशन हो सकता तुहानू पसंद आए तो पसंद तो तुहानू आऊगी क्योंकि वधिया चीज़ आ ज़्यादा जिहड़ी चीज़ देखने वाली वो हैगी आ दरख्त बहुत लगे आ पौधे बहुत है मतलब कुदरती हवा तुहानू जिहड़ी मिलनी है वातावरण वधिया मिलना है और खाण पीन का तुसी फ्री दे विच इंजॉय करोगे तो बहुत जल्दी आप मिलते हैं इस लोकेशन के उपर आल टीम के नाल। हाँ जी ये भी तुसी इंजॉय कर सकते हो सवेर के टाइम शाम के टाइम झूले जाते हैं झूले भी लै सकते हो ये मेरे ख्याल जिद्दां पीक पाते होंगे से आप उदा बनाया हुआ ना धक्का करो भरावा रोकला रोकला उडूगा तहां नूं बहुत वधिया जी नज़ारे आने वाले आ। दोस्तों तो सब तो मेन चीज़ है जी जिमें अपना टूर पर आप जा रहे हैं तो इतने नाल ही जो बिल्कुल होटल तो 6 to 7 किलोमीटर की दूरी पर बहुत वधिया एक इतिहासक गुरु घर जिदे तुसी शाम को आके रह भी सकते हो रूम बहुत है कोई दिक्कत नहीं हैगी बाकी दर्शन मेरे भी तुसी कर सकते हो नाल जो बिल्कुल होटल जो अपना जिते आप जाना टूर के उपर ये कह लो भी इतों वो तो वह 6 to 7 किलोमीटर की दूरी से अपना होटल हैगा तो ये चीज़ की भी मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा भी जो तुम आप आ ही रहे हैं टूर पर तो एक इतिहासक गुरु घर के आप दर्शन भी जरूर करके जाइए।